अभिषेक बच्चन और निमृत कौर की डेटिंग के खबरों के बीच बड़ा खुलासा। दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कर रहे फॉलो। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरें लगातार आ रही सामने। पेपराजीज पर फूटा अभिषेक बच्चन का गुस्सा, हाथ जोड़कर बोले, बस हो गया भैया। अब जनता ने अभिषेक बच्चन की जया बच्चन से कर दी तुलना। इन दिनों बॉलीवुड कलाकार अभिषेक बच्चन और निमृत कौर की डेटिंग की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। जिस तरीके से एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन के साथ और ऐश्वर्या राय बच्चन की जो है वो तलाक की खबरें शुरुआत से ही यानी कि कई महीनों से सामने आ रही थी। जिस तरीके से ऐश्वर्या राय हमेशा ही और हर जगह, चाहे फिर वो कोई फंक्शन हो, अवार्ड फंक्शन हो, या फिर एयरपोर्ट पर आना जाना हो, या किसी फंक्शन के लिए भी जाना हो, हमेशा ही ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो अपनी बेटी आराध्या के साथ दिखाई दे रही थी। और किसी भी तस्वीर में जो है वो बच्चन परिवार का यानी कि ना ही तो अभिषेक बच्चन और ना ही तो अभिषेक बच्चन की बहन या माँ ऐश्वर्या राय के साथ नजर नहीं आ रही थी, जिससे लगातार ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की जो तलाक की खबरें हैं उन्हें जोर मिल रहा था। पर आपके लिए बता दें कि एक तरफ जहां लगातार अफवाह जो है वो डायवोर्स की आने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन और निमृत कौर की जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि ये दोनों ही जो है वो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो लगातार ये बातें सामने आ रही हैं, क्या अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को किया है चीट। जी हाँ, जहां एक तरफ ये खबरें लगातार सामने आ रही है क्योंकि अभी तक जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का डायवोर्स नहीं हुआ है, और डायवोर्स से पहले ही जो खबरें निमृत कौर और अभिषेक बच्चन को लेकर सामने आ रही हैं, अब इसी बीच ये भी खुलासा हुआ है कि दोनों ही एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। और ये खबरें जो है वो पिछले दिनों से ही सामने आई, जब निमृत कौर और इसी के साथ अभिषेक बच्चन जो है वो एक टेलीविजन शो पर भी एक साथ नजर आए थे, जहां दोनों ने ही अपने अपने किस्से अलग अलग अपनी कहानियों को लेकर बताए। पर लगातार अब ये खबरें तो सामने आने लगी है कि ये दोनों ही आपस में डेट कर रहे हैं। पर आपके लिए बता दें कि ना ही तो अभिषेक बच्चन और ना ही तो निमृत कौर, इन दोनों ने जो है वो अभी तक इस रिलेशनशिप या फिर हम कहें कि जो अफवाहें अभी तक दोनों के रिलेशनशिप को लेकर उड़ाई जा रही है या कहा जा रहा है कि दोनों जो है वो डेट कर रहे हैं, इस पर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो अभी तक अभिषेक बच्चन या फिर निमृत कौर की तरफ से नहीं आई है। एक तरफ दोनों ही खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं कि शायद जल्द ही हो सकता है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का तलाक, तो वहीं दूसरी तरफ ये चीजें सामने आ रही हैं कि कहीं निमृत कौर और अभिषेक बच्चन जो है वो करने जा रहे हैं एंगेजमेंट। इस तरीके की चीजें भी अब सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, और दोनों ही खबरों पर अभी तक बच्चन परिवार की कोई स्टेटमेंट या ऐश्वर्या राय की स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। और आपके लिए बता दें कि जब इसी तरीके से सवाल और एक वीडियो रिकॉर्ड यानी कि पेपराजीज पर भी आज भड़क पड़े अभिषेक बच्चन, जो कि वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दरअसल फिल्मी हस्तियां कहीं भी मिल जाएं, पेपराजी कैमरा लेकर उनकी तस्वीर और वीडियो लेने के लिए जो है वो दौड़ पड़ते हैं, और कई बार जो है वो यही इन्हीं सितारे यानी कि इन्हीं बॉलीवुड के लोगों के द्वारा पेपराजीज को सुनना भी पड़ता है। और कुछ इसी तरीके का हाल हुआ यानी कि कुछ इसी तरीके की चीजें आज नजर आई अभिषेक बच्चन के साथ, जब अभिषेक बच्चन जो है वो पेपराजीज के ऊपर भड़क पड़े। सिर्फ पेपराजीज जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे अभिषेक बच्चन की, और अभिषेक बच्चन जो है वो गुस्से में आकर पेपराजी के ऊपर भड़क पड़े और बोले कि बस अब हो गया भैया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब लगातार वायरल हो रहा है, और इस वायरल वीडियो को लेकर लगातार जो है वो जनता सवाल उठा रही है, यानी कि जया बच्चन
लोग जो है, जो जनता जो है, वो अब अभिषेक बच्चन की तुलना जया बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन की जो माँ है अजया बच्चन से करने लगे हैं। और अब जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, देखिए एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि अभिषेक बच्चन ने अपनी माँ से सीख ली है। अब एक अन्य यूजर ने लिखा कि निमृत कहाँ है। एक यूजर ने लिखा कि अभिषेक उतने कूल नहीं जितना कि प्रेस मीट में दावा करते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा कि पेप से रिक्वेस्ट है कि इनका वीडियो मत बनाओ। यानी कि तमाम तरीके के सवाल जो है वो आज जनता जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अभिषेक बच्चन से पूछती हुई नजर आ रही है। कोई पूछ रहा है कि कहाँ है निमृत, तो किसी की तरफ से उठाए जा रहे हैं सवाल कि कब कर रहे हैं अभिषेक बच्चन निमृत कौर से एंगेजमेंट, या फिर किस क्यों आखिरकार अभिषेक बच्चन ने चीट किया है ऐश्वर्या राय को। इस तरीके के लगातार सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं जनता के द्वारा, पर किस बात में कितनी ज्यादा सत्यता है ये अभी तक सामने नहीं आई है। ये तमाम चीजें जो हमने आपके सामने रखी हैं, ये तमाम वो स्पेकुलेशंस हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो आज सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर जो है वो सामने आ रही हैं और सवाल उठाए भी जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्तों को लेकर, तो ये अभी से नहीं है जी हाँ, बल्कि अब जो पिछले ही दिनों करवा चौथ का त्योहार भी गया है, जहां पर तमाम सोशल मीडिया पर जो है वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज से लेकर तमाम लोगों ने करवा चौथ की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, पर यहां पर एक भी तस्वीर जो है वो ऐश्वर्या राय या फिर अभिषेक बच्चन के द्वारा पोस्ट नहीं की गई। और यही तमाम चीजें हैं जो अब ऐश्वर्या राय और इसी के साथ अभिषेक बच्चन की शादी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि हमने कई बार फंक्शन या फिर बॉलीवुड के इवेंट्स में ही देखा है कि जहां एक तरफ अभिषेक बच्चन नजर आते हैं अपनी बहन श्वेता नंदा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ उसी इवेंट में जो है वहीं ऐश्वर्या राय जो है वो अपनी बेटी आराध्या के साथ ही नजर आती है, चाहे फिर वो कोई फिल्म सितारों का इवेंट हो या फिर कोई निजी कार्यक्रम। यानी कि ऐश्वर्या राय जो है वो अपनी बेटी के साथ ही नजर आती हैं, और यही तमाम तस्वीरें जो हैं वो अब ये बयां करती हैं कि शायद जो है वो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते में ठीक नहीं चल रहा है। पर आपके लिए बता दें कि अब से 2-3 महीने पहले भी एक वीडियो सामने आया था, जहां पर अभिषेक बच्चन से जब उनकी शादी और डायवोर्स को लेकर सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि पेपराजी या फिर मीडिया को उस तरीके से बातें करने का अधिकार है, क्योंकि हम तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं और इसीलिए आपको कुछ चटपटी न्यूजें दिखानी है। जिसके साथ अभिषेक बच्चन ने अपनी उंगली में अपनी शादी की अंगूठी को दिखाते हुए कहा था कि मैं अभी भी मैरिड हूं, जो यहां अभी भी शादीशुदा हूं। ये बात जो है वो अभिषेक बच्चन ने 2-3 महीने पहले ही मीडिया के सामने कही थी, और उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा कोई बयान देने नहीं वाला हूं जिससे कि आपको न्यूज या खबरें मिल जाएं। यानी कि डायवोर्स की खबरों पर भी अभी तक कोई भी पुष्टि दोनों ही तरफ से नहीं की गई है, पर लगातार जो खबरें आ रही है, स्पेकुलेशन जो आ रही है, उसी के आधार पर ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी है कि आज इन दोनों चीजों को लेकर जनता किस तरीके की बातें कर रही है। चाहे फिर वो एक तरफ निमृत कौर और अभिषेक बच्चन की डेटिंग की खबरें हो, दूसरा इन दोनों का एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करना हो, या फिर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के डायवोर्स की खबरें हो। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।